गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि सोनिया की वेकेशन अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही है, इतनी इरेगुलर वीडियोस क्यों आ रही है। मैं आ गई हूँ वेकेशन से, काफ़ी टाइम हो गया है। एंड आते ही मेरा ना नी ट्विस्ट हो गया। एक्चुअली मैं स्टेयर्स से उतर रही थी, जिम की स्टेयर्स से। जिम खत्म होने के बाद जब सब कुछ हो गया, फाइनली जब मुझे घर जाना था, मेरा नी ट्विस्ट हो गया। तो अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ, मतलब नॉर्मल रेस्ट पे हूँ। चल पा रही हूँ मैं थोड़ा बहुत, बट अभी डॉक्टर को दिखाना है, टेस्ट वगैरह सब हो गए हैं। कल अपॉइंटमेंट है तो पता चलेगा, बट तभी तक के लिए बहुत सारी वीडियोस प्लान की हुई थी, बाहर वाली भी एंड थोड़ी फन फैशन वाली भी, बहुत सारी तरीके की, वो नहीं हो पाएंगी। लेकिन उसी के बीच में मैंने एक और पार्सल मंगवाया हुआ था, मुझे कोई मतलब मैं भूल गई कि मैंने ये भी मंगवाया हुआ था। सो आई रिसीव दिस मेकअप किट एंड इट्स जस्ट नॉट मेकअप किट, इसमें सारी चीज़ें हैं। एंड ये मीशो से आई है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ा था। एंड आई वॉज लाइक वाओ। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, याद है, चीपेस्ट मेकअप फ्रॉम अमेजोन, ये उससे भी सस्ता बिकॉज इसमें उससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं एंड दैट टू इन लेस प्राइस। सो अभी से ओपन करते हैं साथ में, लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड दिस। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल मेकअप वीडियो, जस्ट लीव, वो नहीं होने वाला यहाँ पे। आई डोंट नो हाउ टू डू मेकअप, आई जस्ट ट्राई थिंग्स ऑन माई फेस, दैट्स इट। Fine. I have never tried makeup from Meesho, just to put it out there. तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसमें क्या निकल। भाई खुल जाना है यार, हो गया तेरा। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें गिरने को हो रही हैं। सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, literally 12 items in just 700 rupees. Starting with Huda Beauty Face Spray Prep and Prime. क्या ये real Huda Beauty है? I don't think so. हो भी सकता है, I don't know. मतलब मैंने तो नहीं इसे डाला है, बट इतना सस्ता Huda Beauty Primer, it's nakli. Okay, we can tell by the packaging it's nakli. But anyway, try करते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि इसको अपनी clean skin पर लगाना है foundation से पहले and blend करना है evenly with your fingers. बेस से पहले, ठीक है, ठीक है। इट स्मेल्स वेरी वियर्ड। होप मुझे जलन ना हो फेस पे, बट अभी तो ठीक है। प्राइम करेंगे अपने फेस को बिल्कुल। इसको 2 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं ताकि थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए। मैं चाहती नहीं है एब्जॉर्ब हो मेरी स्किन में, बिकॉज आई हैव माई डाउट्स, बट ठीक है, लेट्स गो विद द फ्लो। वैसे इस पे इसका इंडिविजुअल MRP नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल ही खतरों के खिलाड़ी बना हुआ है, सोनिया खतरों के खिलाड़ी। यू गेट इट राइट। ओके, नाउ दैट आवर स्किन इज ऑल प्राइम्ड अप, वी गोना मूव ऑन टू फाउंडेशन। वी हैव मैट फाउंडेशन, दैट्स इट, बस यही है, इस पे यही लिखा हुआ है। ओके, ये निकला हुआ पूरा, इट्स ऑल स्पिल्ड एवरीवेयर। यहीं से ले लेते हैं थोड़ा सा। ओ हाँ, मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ कि व्हेन आई ऑर्डर्ड दिस दे डिडंट आस्क फॉर माय शेड, सो आई गेस यही आता है, इसी से काम चलाएंगे, ठीक है। तो हमें एक ब्यूटी ब्लेंडर भी मिला है, ये पूरा मैंने वेट कर लिया है। लास्ट जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, सब मुझे बोल रहे थे कि इसे वेट करके यूज़ करते हैं सोनिया। ओके, थैंक यू गाइज, अब मैं वही कर रही हूँ। तो इसको हम डॉट लाएंगे ऑल ओवर। ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, इट्स वियर्ड, अ बिट वियर्ड। दिस इज़ फाइन, थोड़ा यहाँ पे भी लगा रहते हैं। अब ब्लेंड करेंगे। इट स्मेल्स लाइक जैसे बचपन में मेकअप नहीं यूज़ करते थे, मम्मी लगाती थी मेकअप, उसमें से फ्रेग्रेंस आती थी, सेम वैसी वाली खुशबू आ रही है। इट्स नॉट अ फाउंडेशन, इट्स अ क्रीम, या इट्स अ क्रीम। इसमें कलर डाल रखा है। तुम सोनिया को पागल नहीं बना सकते हो, एक्चुअली बना सकते हो क्योंकि मैंने ये खरीदा है। आई एम इवन यूजिंग इट ऑन माई फेस, गुड गोइंग, आई एम नॉट गोना लाई। ये कोई बीबी या सीसी क्रीम इन्होंने ऐसे पैकेजिंग में डाल रखी है, इट्स नॉट अ फाउंडेशन, बट ठीक है। थोड़ा यहाँ कम रह गया था। दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज नाइस, आई गेस ये सही लग रहा है। फिनिशिंग तो मस्त आ गई है, क्या मैं चमक रही हूँ? नहीं। चलो इसे बंद कर देते हैं, यार ये पूरा मैसी हो गया है। डू वी हैव पाउडर हियर? एक सेकेंड, इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या पता पाउडर हो। इट्स अ आई शेडो किट। मेरे को सच में विश्वास नहीं हो रहा कि 700 के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, वरना एक आई शेडो किट भी बहुत मुश्किल से मिलती है, लाइक अच्छी कंपनी एंड डिसेंट वाली। तो इसे ट्राई करते हैं।
Here we have our eyeshadow palette. And इसके अंदर as I can see कि ये powder है. मेरे हाथ बहुत गंदे हैं. I need a tissue. Let's open it. इसकी packaging तो बहुत ही सही करके दे रखी है इन्होंने. कुछ टूटा फूटा नहीं है अभी तक फिलहाल. Okay. How do you open it? ओ भाई साहब. ओहो. वो बेचारा बाउंस हो गया यार. ये तो बहुत ही सही था. मुझे बहुत ही मज़ा आया. एंड इट ओपन्स अप लाइक दिस ऑल्सो. दिस इज फैंसी. दिस इज नाइस. मुझे मज़ा आ रहा है. ठीक है अभी ये वाला हमें फेस पे लगाना है. वी हैव ब्रशेज ऑल्सो. ये बहुत हिल रहा है. इट्स नॉट यू नो रिजिड बट ठीक है. वी हैव हेलो किटी के ब्रशेज. मुझे ये बचपन से चाहिए थे फाइनली. कितने क्यूट और छोटे हैं. बहुत ही मस्त. एक सेकेंड. मुझे नहीं पता कि इन ब्रशेस से मैं अपना फुल फेस ऑफ मेकअप कर भी पाऊँगी या नहीं. बट ठीक है इस वाले ब्रश से हम पाउडर कर लेते हैं अपने फेस को बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है ये ले लेते हैं थोड़ा सा. बहुत ही ज़्यादा पाउडर निकल रहा है. लाइक बहुत ही ज़्यादा फॉल हो रहा है. एंड ब्रश पर कुछ भी नहीं लग रहा है. सो इफ आई जस्ट डू दिस एवरीथिंग इज गॉन. सो इट्स जस्ट पाउडर. क्या मैं हवा में धुआं उड़ाने के लिए आई हूँ. हमारे पास ये भी तो है. इसकी खुशबू मैं लिटरली बता रही हूँ. बचपन में मम्मी मेकअप लगाती थी ना वैसी वाली आ रही है. मुझे स्कूल के फंक्शंस की याद आ रही है. मैं हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी. डांस फंक्शन में एनुअल फंक्शन कितनी बार बोल दिया मैंने. कुछ लग रहा है डिफरेंस. फ्रेश तो लग रहा है. डिसेंट नेचुरल डेली मेकअप लुक. यस दैट्स द वाइब वी आर गोइंग फॉर. ठीक है ये हो गया है. नेक्स्ट लेट्स डू आर आईज. लाइक आई शेडो ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं तो आई गेस इनसे कर लेते हैं बिकॉज इनकी तो बहुत ही ज़्यादा धज्जियाँ उड़ी हुई हैं. लाइक कांट डू इट विद दिस. आई गेस आई कांट डू विद दीज ऑल्सो बट ठीक है कर लेंगे. दिस वन कौन सा वाला कलर चूज करें गाइज. ग्रीन बिकॉज आई एम वेयरिंग ग्रीन. पहले बेस कर लेते हैं. सो I'm gonna go with this brown color right over here. And apply it all over my eyes. Like so. Kuch nikal raha hai. Ek second, let me use my fingers. Color nahi nikal raha hai zyada. Give me something. Bilkul agar mehnat karke main like इतना प्रेशर लगा के भी इतना निकल रहा है. वो फ्लावर इम्प्रिंट हो गया जो भी इसका डिज़ाइन है मेरी फिंगर पे. बट स्टिल कलर नहीं निकला. बहुत हल्का सा निकल रहा है. अब आई गेस पहले तो मैं इसकी अपर लेयर हटानी पड़ती है ऐसे एंड देन कलर निकलता है. ठीक है आई गेस दिस इज वर्किंग. थोड़ा सा तो निकला है. मस्त लग रहा है. थोड़ा शिमरी. अभी ना कलर वाला लगाते हैं फिर ज़्यादा पता चलेगा. सो लेट्स डू ग्रीन. दिस वन लेट्स जस्ट अप्लाई इट हियर. कलर तो निकल रहा है. मस्त बढ़िया. फॉल भी ज़्यादा नहीं है आई गेस बिकॉज पिगमेंटेशन भी नहीं है. अगर मैंने इसे ब्लेंड करने की कोशिश की तो ये सारा हट ही गया. क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसे. मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे. सो आई गेस आई जस्ट नीड टू डैब इट बिकॉज इफ आई डू दिस वो एक मैजिक इरेजर की तरह रिमूव हो जाएगा. ओके हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चली आज. So I'm just gonna dab the color on my eyelid. नहीं हो रहा इससे करेंगे. Like so and that's it. इधर भी कर लेते हैं. इधर हट गया सारा. कलर निकल जा. क्या हो गया. I'm done. I just saw कि हमारे पास एक और प्राइमर मेकअप बेस था. हमने ये वाला यूज़ किया था. इस पर फिक्सर लिखा हुआ है बट इसकी डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि इसे प्राइमर की तरह यूज़ करना. सो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. इसको हम कभी बाद में यूज़ करेंगे बिकॉज अभी तो हमारा हो गया है सब कुछ. ओके सो नेक्स्ट लेट्स डू व्हाट आईब्रोज. इसी में से देखना पड़ेगा. एक सेकेंड. या कोई भी डार्कर ब्राउन शेड लेके लेट्स जस्ट फिल इन आवर आईब्रोज. तो ये ब्रश काफ़ी सही है. हेलो किटी ब्रश. यू आर डूइंग योर जॉब. आई लाइक इट. आई डोंट थिंक सो कि मेरी आईब्रोज फिल होने वाली है बिकॉज कलर ही नहीं निकल रहा है. बट जैसे भी होगा हम कर लेंगे. कोई बात नहीं. आई गेस दैट इज इट. लुक्स डिसेंट. नेचुरल लग रहा है.
ठीक है, परफेक्ट। आई नो इसमें कलर्स कुछ ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, बट जैसे कि अभी मैंने फाउंडेशन यूज़ करा जो कि मुझे लग रहा है कि बीबी क्रीम या सीसी क्रीम है, या फिर आई शेडोज भी जो मैं अब यूज़ कर रही हूँ, इट्स काइंड ऑफ गुड। लाइक इफ यू आर अ बिगनर यू कैन एक्चुअली लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस किट। लाइक तुम्हें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा एंड यू आर गेटिंग सो मैनी थिंग्स, लिटरली इट्स द होल किट जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो तुम मेकअप सीख सकते हो फिर अ बिगनर या फिर किसी को गिफ्ट वगैरह करने के लिए और फिर टीनेजर और समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। एंड देन व्हेन यू विल लर्न फ्रॉम दिस मेकअप किट यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इन अ बिगर एंड अ बेटर वन, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो मे बी दैट विल बी हेल्पफुल, बट अभी के लिए वी आर गोइंग विद दिस कलरफुल लुक। हाउ डू आई लुक? आई गेस दिस इज इट, इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। आई लव प्लेइंग विद कलर्स, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। ठीक है, तो अब क्या बचा है? लेट्स डू आई लाइनर। ठीक है, सो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक्चुअली तीन ऑप्शन हैं। वी हैव टू लिक्विड आई लाइनर्स एंड वन काजल वाला आई लाइनर। तो इसको आई गेस काजल की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो अभी हम वही करेंगे। थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे, पूरी वाटर लाइन पे भी कर सकते हैं, बट अभी मुझे इतना ही करना है, मुझे बस इसे थोड़ा स्मज करना है। कुछ भी कर सकते हैं, लाइक वी कैन क्रिएट सो मेनी आई मेकअप लुक्स विद दीज। अच्छा लग रहा है, इट लुक्स क्यूट, प्यारा सा नहीं लग रहा? अच्छे से फैल भी गया वो एंड इट्स नॉट स्टिकी एट ऑल। इसकी क्वालिटी मुझे एक्चुअली में अच्छी लगी, इट्स नाइस। तो अभी लिक्विड आईलाइनर को हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन उससे पहले वी हैव आईलैश कर्लर एज वेल। भाई साहब इसमें ये भी है। ठीक है, इसे ओपन करते हैं, पहले से चेक करते हैं कि ब्रोकन ना हो। ठीक है, लुक्स फाइन। ठीक है, इट्स वर्किंग। थोड़ा हार्ड है, लाइक मुझे इसे खुद ही मूव करना पड़ रहा है। 5, 4, 3 मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए था। 2, 1 आई गेस दिस इज इट। कैन यू सी द डिफरेंस? आई गेस मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट मे बी हुआ होगा। या मुझे डर लग रहा है बिकॉज इट्स हार्ड। ये वाले में हुआ है ना, यहाँ पे लैश लिफ्ट हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, वी डन विद दिस आई गेस। वैसे हमें फॉल्सीज भी मिले हैं मैक के। इसका ग्लू कहाँ है? एक सेकेंड, क्या इसके नीचे ही है? वी डोंट हैव अ ग्लू। एंड वैसे मैं आई लैशेज लगाती नहीं हूँ, तो मेरे पास ग्लू वैसे भी नहीं है, बट यू गेट देम इन दिस होल पैक, सो मे बी यू कैन अप्लाई इट। तो अभी हम जल्दी से लिक्विड आई लाइनर लगा लेते हैं। दैट्स अ फन पार्ट अबाउट डूइंग मेकअप विद सोनिया, वी डोंट फॉलो स्टेप्स हेयर। अभी मेरे सामने इतना मेस हुआ है, वी हैव लिक्विड आई लाइनर हेयर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। फैंसी श्मैंसी, इसे ट्राई करके देखते पहले यहाँ पे। ओके नाइस, मुझे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना पड़ा एंड काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन आ रही है। कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो नाइस एंड इट्स स्मूद एज वेल। तो ओके, लेट्स जस्ट ट्राई इट। ओके, आई एम स्कैर्ड नाउ। कैमरे पे आई लाइनर लगाना इज टफ, बट इट्स ओके, इट्स फन। ये बहुत अच्छे से जा रहा है, इट्स एक्चुअली वेरी स्मूद। वी आर डन विद दी आई लाइनर। थोड़ा सा मुझे कैमरा बंद करके लगाना पड़ा बिकॉज आई मिस्ड इन बिटवीन। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। प्रिटी गुड, हाँ, आई एक्चुअली लाइक इट। एंड ये ड्राई भी हो गया जल्दी से, तो ऐसा नहीं है कि मुझे लगा के आँखें बंद करके बैठना पड़ेगा 2 मिनट। नहीं, दिस इज डन, लगाते ही परफेक्ट हो गया। यहाँ पे भी जल्दी से लगा लेते हैं। सो दिस इज डन, अभी हम लगाएंगे हाइलाइटर एंड वी गोना कॉन्टोर आवर फेस विद दिस वंडर स्टिक हाइलाइट एंड कॉन्टोर स्टिक। ऑलराइट, लेट्स जस्ट ओपन इट। क्वाइट एक्साइटेड अबाउट यूजिंग दिस, आई डोंट नो व्हाई। ओके, ये यहीं रह गया बेचारा। ठीक है, सो यहाँ पे वी हैव हाइलाइटर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ढीलू सा है ये, बट ठीक है कोई बात नहीं। एंड देन वी हैव कॉन्टोर हेयर, तो पहले कॉन्टोर कर लेते हैं ऑफ कोर्स यहाँ। ओके, ठीक है, आई गेस दिस शेड वर्क्स। ओके, दिस इज क्रीमी एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी इज़ नाइस। ज़्यादा कलर नहीं निकल रहा है, बट मुझे ना वैसे ज़्यादा चाहिए भी नहीं था, इतना इज़ फाइन फॉर मी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी टैंड हुई हूँ ना। अभी मैं सोचूं कि मैंने इतना सारा निकाला था, वो अंदर चला गया बिकॉज एक तो मैं कैसे करूँ। ओह गॉड, दिस इज, ऐसा लग रहा है कि एक टास्क मिला हुआ है मेरे को। हमारे पास कोई एक
ब्रश नहीं है जिससे कि हम इसे ब्लेंड कर पाएँ, सो आई गेस आई एम गोना यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर ओनली. बस इसे ब्लेंड करना जल्दी से. वैसे इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लाइक नाइस सन किस टाइप सा ब्रॉन्जी वाला इफेक्ट नहीं होता वैसा, नॉट टू मच, ऐसे ही चाहिए था आई गेस. ये मिनिमल डे मेकअप टाइप लुक नहीं बन रहा है एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग नाइस. चाहे प्रोडक्ट थोड़ा सा डैमेज वगैरह है कुछ भी हो, निकल के अच्छा आ रहा है ओवरऑल लुक, वो मैटर कर रहा है फिलहाल तो मुझे. सी ये बहुत अच्छे से आई लाइक इट. ठीक है हाईलाइट करते जल्दी से, ज़्यादा निकल रहा है आई गेस, कोई नहीं अभी ब्लेंड कर देंगे किसी को पता नहीं चलेगा. तो काफ़ी अच्छा हाईलाइटर निकल रहा है यार, अब मैं एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मस्त मेकअप लुक निकल के आ रहा है. एट दिस पॉइंट यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग इफ दिस होल किट इज़ ऑफ एनी गुड और नॉट. ओके ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारी चीज़ें इसमें है, लाइक छोटी छोटी चीज़ें लाइक अ ब्यूटी ब्लेंडर ये और लिक्विड आई लाइनर, ये चीज़ें अच्छी हैं. इनफैक्ट ये स्टिक भी अच्छी थी बस थोड़ी टूटी हुई निकली. तो ये चीज़ें लाइक अगर तुम इंडिविजुअली भी लोगे तो आई वुड प्रेफर कि वैसे ही लेना है, नॉट इन दिस होल किट, बिकॉज इसमें बाकी चीज़ें हैं विच इज़ नॉट वर्किंग. एंड जो बिगिनर मेकअप नहीं होता आई गेस ये उससे भी पहले का जो स्टेप होता है वैसी वाली मेकअप किट, इट्स मोर ऑफ लाइक किड्स मेकअप ओनली. तो अगर तुम्हें सीखना है या फिर किसी को गिफ्ट देना है जिसे मेकअप करना नहीं आता, देन आई गेस उनके लिए इट्स ओके. बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न मेकअप लाइक एक्चुअली वाला, देन आई गेस इंडिविजुअल पीसेज में खुद सोच के एंड यू नो रिसर्च करके इन्वेस्ट करके अप्लाई करना अपने फेस पे, दैट वुड मेक मोर सेंस. सो या दैट्स दैट. सो दैट्स द हाईलाइटर. कुछ लग रहा है क्या, ग्लोई फेस लग रहा है, तुम ही मुझे बता दो. ठीक है तो अभी आई एम गोना जस्ट ब्लश माय फेस. वी हैव थ्री ब्लशेज राइट ओवर हियर. मैं बीच वाला यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज इट्स मोर ऑफ वॉर्म पिंक, तो मुझे वो बहुत पसंद है. बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है. क्या आया, आई गेस आया, हाँ दिख रहा है. यस थोड़ा थोड़ा, नॉट टू मच, बिकॉज अपेरेंटली यू गाइज डोंट लाइक अ लॉट ऑफ ब्लश ऑन माई फेस. तो हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, कोई बात नहीं. Yeah, it's pretty, like nice, decent blush. अच्छे से blend भी हुआ है, अलग से नहीं लग रहा कि ऊपर आया हुआ है स्किन के. It's nice, I like it. Okay, so 12 products नहीं है total में, इसके अंदर already 3 चीज़ें हैं. Mascara, we have lip pencil, और ये क्या है, eyeliner. Okay, हमारे पास एक और liquid eyeliner है. बहुत सारे eyeliner हो गए यार. We have 4 eyeliners. पहले मस्कारा लगा लेते हैं, देन वी गोना डू लिप्स. इट फील्स प्रीमियम. ओके यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अ वाटर प्रूफ मस्कारा. ठीक है, इसकी वॉन्ड भी काफी सही है. लेट्स जस्ट ट्राई इट. लैश लिफ्ट तो हुआ है थोड़ा सा, तुम्हें क्या लग रहा है? देखो आई गेस इट्स फाइन, इट डज नॉट फील हैवी, इट इज़ नॉट स्टिकी, सो फार सो गुड. इधर भी लगा लेते हैं. ठीक है, वी डन विद दिस. इट स्मेल्स लाइक इसमें परफ्यूम डाला हुआ है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है. ओके वी आर डन विद दिस. ओके लिप लाइनर, एक सेकेंड, ब्लैक क्यों है ये, नहीं लगा पाऊंगी मैं. ठीक है कोई बात नहीं, लिपस्टिक लगाते हैं. इंडिविजुअल लिपस्टिक नहीं आई है पूरे कॉम्बो में, लेकिन जो हमारा जो आई शेडो पैलेट है ना, इफ यू लुक क्लोजली हियर वी हैव 4 ऑप्शंस गोइंग ऑन. थोड़ा सा न्यूड के ऊपर पिंक डैब कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज ये दोनों कलर बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहे हैं. तो पहले न्यूड वाला लगाते हैं. यू कैन इवन यूज योर फिंगर्स आई गेस एट दिस पॉइंट. ओके ज्यादा ही न्यूड है ये, इट्स मोर ऑफ लाइक ग्लॉसी थिंग. बहुत ज्यादा न्यूड हो गया ये तो. अभी ये वाला लेंगे थोड़ा सा, होठों को वापस जगाने की निंजा टेक्निक. बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी इफेक्ट आ रहा है. एंड वुड डन, एंड वुड बाबी लिप्स लग रहे हैं, 90s इंस्पायर्ड, ऐसे मेटालिक ग्लॉस वाले नहीं होते थे वैसे वाला लग रहा है. एंड दिस इज डन आई गेस, और कुछ नहीं बचाना. एक डिफरेंट मेकअप जैसी खुशबू आ रही है मेरे पूरे फेस में से. एक सेकंड, कुछ यहाँ चिपक गया है. ओके जिस एप्लीकेटर से मैंने लिपस्टिक लगाई थी इट्स फॉलिंग ऑफ उसके ब्रश के ब्रिसल्स, बट ठीक है. एनीवे वी डन यार, मेकअप तो मस्त लग रहा है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, इतना हैवी भी नहीं लग रहा है एंड इट्स वेरी लाइट.
एंड या डूएबल. आई एम एक्चुअली ग्लैड, मुझे लग रहा है कि मैं ये फेस लेके कहीं बाहर घूमने जा सकती हूँ. बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो कि कितने लंबे समय तक चलेगा, या फिर ये एक्चुअल में वाटरप्रूफ है या स्वेट प्रूफ है या नहीं. दोज थिंग्स आई डोंट नो. एंड एट द सेम टाइम आई जस्ट रिकमेंड दिस होल कॉम्बो थिंग टू पीपल हु जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ विद मेकअप एंड एट द सेम टाइम दे डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट अ लॉट. मतलब अगर तुम्हें टेक्निक्स वगैरह सीखनी है, खुद से मेकअप सीखना है, एंड if you are a teenager or if you do not want to invest a lot of money, then maybe you can go ahead with this. काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो एंड काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं. बट इफ़ यू आर लाइक अ मेकअप enthusiast और तुम्हें बिल्कुल ही यू नो मेकअप वाला मेकअप चाहिए, then I would say just do not invest in this because you will be disappointed because इतना भी अच्छा नहीं है. ओके, सो दैट्स द बॉटम लाइन हियर. एंड दिस वॉज द मेकअप लुक विच आई क्रिएटेड यूजिंग ऑल द मेकअप विच आई गॉट फ्रॉम मीशो. मुझे मेकअप लुक अच्छा लगा है, मुझे पता है तुम्हें भी अच्छा लगा है. एंड तुम मुझे बताओ कि तुमने भी कभी मीशो से मेकअप यूज़ किया है या नहीं, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, हम सबको नीचे बताओ ताकि हमें हेल्प हो. एंड अगर हमें आगे और भी चीज़ें परचेज करनी है तो हमें एक रिव्यू चाहिए तुम सबका. सो लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय. ओके गाइस, मुझे दोबारा आना पड़ा. आई डोंट नो माय लिप्स आर हाईली सेंसिटिव और व्हाट, बट थोड़ी सी मुझे जलन हो रही है लिप्स में. बाकी सब ठीक है अभी. ओके बाय.